23rd में है, और मैं आज तो स्टॉक्स लूंगा जो आप कल ट्रेड कर सकते हैं। आज दो स्टॉक्स हैं, जो है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स और दूसरा है HDFC एसेट्स मैनेजमेंट। तो ये जो डॉक्टर लाल पैथ लैब्स हैं, ये प्राइस एक्शन फॉलो कर रही है, और जनरली ये स्टॉक्स को कल अपसेल कर सकते हैं HDFC, सॉरी डॉक्टर लाल पैथ लैब्स को। आप इसके ऊपर जो ये जो स्विंग्स हैं, इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और जो टारगेट होगी वो 1837 या 35 होगी। और आप इस स्टॉक्स को कल सेल कर सकते हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब्स को। और दूसरा स्टॉक्स जो है वो HDFC एसेट्स मैनेजमेंट है। ये स्टॉक्स जो है अभी ये सपोर्ट पे है, सपोर्ट पे है, तो ये कल सपोर्ट ले सकती है। यदि ये 15 मिनट फर्स्ट 15 मिनट का जो कैंडल्स है, यदि ये इसके ऊपर जो 1706 है, इसके ऊपर यदि सस्टेन कर गई, तो आपकी जो टारगेट होगी वो 1750 के अप्रॉक्स होगी। और जो यदि ये कल ब्रेक कर देती है, तो आपकी जो टारगेट होगी वो ये इमिडिएटली सेलिंग साइड में शिफ्ट कर जाएगी, और आपकी जो टारगेट होगी वो 1650 के अप्रॉक्स में होगी। आप हमेशा स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और ये 23rd मई का दो स्टॉक्स दिया गया, जब कल मार्केट खुलते ही आप डॉक्टर लाल पैथ लैब को सेल कर सकते हैं, और HDFC एसेट्स मैनेजमेंट को आप यदि ये सपोर्ट को ब्रेक करती है 15 मिनट कैंडल की, तो आप फिर उसे सेल कर सकते हैं। यदि ये यहाँ से सपोर्ट ले लेती है, तो फिर आप उसे बाई कर सकते हैं। थैंक यू।